जय हिंद साथियों। साथियों बात करेंगे मद्य निषेध सिपाही भर्ती के रिजल्ट को लेके। 689 पद, 689 पोस्ट टोटल, जिसका कि एग्जाम 14 मई को हुआ। कितना पाली में? फर्स्ट माने एक पाली में हुआ। जितने सारे अभ्यर्थी एग्जाम दिए, जिनका एग्जाम अच्छा गया, जिनका एग्जाम अच्छा गया, वो सारे आज भी फिजिकल में लगे हुए हैं। और जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, उन सारे लोगों के लिए 21,000 से ज्यादा पदों पर एक भर्ती बिहार में आई हुई है। बिहार पुलिस की बीपी, ये बिहार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। साथियों चलिए, इस एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया, लेकिन ये भी एग्जाम आपका अच्छा ना जाए तब तो और बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 21,000 प्लस पद ही नहीं है, बल्कि ये तो और 5 गुना है। पहले तो रिजल्ट लाइए, बार बार एक ही बात बोलता हूं, पहले तो रिजल्ट लाइए, यानी ये हो जाएगा 1,00,000 प्लस। इसमें आने की कोशिश करें, उसके बाद आप यहां से डायरेक्ट छलांग मारेंगे और इस 21,000 में आप आ जाएंगे। आपके पास सुनहरा मौका है यदि आपका इसका एग्जाम अच्छा नहीं गया। बाकी जिनका एग्जाम अच्छा गया है, फिजिकल में जी तोड़ मेहनत करें, दिन दुनी रात चौगनी मेहनत करें, फाड़ दीजिए, फाड़ ग्राउंड को गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, रम जाइए दौड़ में, फिजिकल में। आपका जो रनिंग है, जो आपका हाई जंप है, जो आपका शॉर्ट पुट है, कोशिश करिए हमेशा 80 प्लस स्कोर लाने का, तभी आप सेफ हैं, अन्यथा आप सेफ नहीं हैं। इसलिए क्योंकि टाइम भी दे दिया, रिजल्ट अभी दिया भी नहीं, और आप सभी को मैं बता दूं, एग्जाम का भी अपडेट देते गया कि कब कैंसिल हुआ, फिर कब होगा। हमेशा चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सही जानकारी मिलती है, और इसीलिए सबको विश्वास रहता है कि गुरुजी क्या कह रहा है, गुरुजी का वीडियो देखते हैं। ये आप लोगों का प्यार जो ये मिलता है, ऐसे ही ये जो विश्वास है हमारे ऊपर, इस विश्वास को कभी खत्म होने नहीं देंगे और आपको सही जानकारी देते रहेंगे। साथियों जो ये रिजल्ट है आपका, अभी विलंब होगा। अभी मैं इस वीडियो में ये कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि कितना दिन, कौन सा डेट या कब, लेकिन इतना जरूर कहूंगा और बहुत पहले बता चुका हूं, जो लोग आज बताएंगे, रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है। बोर्ड यानी आयोग कुछ सोच के ही रिजल्ट को अभी रोका हुआ है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, एक निश्चित समय के अंदर आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो इसलिए जिनका एग्जाम अच्छा गया है, 689 पोस्ट बिहार एक्साइज कॉन्स्टेबल वाले अभ्यर्थियों, मेरे भाई मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि इसमें एक सीट आपका हो जाएगा, और एक सीट उसी का होगा, अब इसका 5 गुना रिजल्ट आएगा। एक सीट उसी का होगा जो बाकी 4 की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करेगा, तब 5वें सीट पे आप आएंगे। फिर से मैं समझाना चाहूंगा, 689 का 5 गुना, अब उसी में 689 लोग का सिलेक्शन उसका होगा जो बाकी 4 की अपेक्षा ज्यादा मेहनत करेगा, वो 5वां होगा, जो कि 689 पोस्ट में उसका एक सीट होगा, उसके मम्मी पापा के सपने के साथ उसका सपना पूरा होगा। साथियों अभी भी मेरे रिजल्ट में विलंब है, जैसे ही कोई सूचना मिलती है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, गुरुजी डिफेंस अकेडमी के चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। आ जाएगा, कब आएगा, किस दिन आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा रिजल्ट का, मैं आपको दूंगा। अतः जिनका एग्जाम अच्छा गया है, वो फिजिकल में अपना 100% दीजिए, कोई कोताही नहीं करिए, 100%। बाकी एग्जाम अच्छा नहीं गया है, कुछ लोग सस्पेंशन में होंगे, सस्पेंशन वाले लगता है वो 70% मेहनत करो फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सस्पेंशन है तो आपका रिजल्ट होगा 30% रिटर्न पे। यदि पूरे कंफ्यूजन है तो 20-30% मेहनत करो, 20-30% मेहनत करो, बाकी जो भी 80-70% है रिटेन में, नहीं तो पता चला कि अभी इसका भी लगने में फॉर्म
भराने का कब समय खत्म होने जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर इसका भी एग्जाम होगा और पता चला कि इसमें भी आप बाहर हो जाएगा। इसलिए सफलता एक ऐसी कड़ी है, वहां पहुंचने के लिए आपको सही रणनीति बनानी पड़ती है और आप एक रणनीति के साथ किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। इसलिए आपकी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए और तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। प्रोसेस में रहिए, लगे रहिए, सिर्फ एक बॉल पे पहली गेंद पे छक्का मार देने से मैच कभी खत्म नहीं होता है, मैच आखिरी बॉल तक चलते रहता है और लास्ट में विजेता वही बनता है जो पेशेंस के साथ पारी को आगे बढ़ाते रहता है। इसलिए अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहिए और आप लंबा टिकिए, लंबा खेलिए, आपकी एक ना एक दिन जीत होती है। तो साथियों अभी की अपडेट यही है मध्य से सिपाही भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए कि अभी आप और पसीना बहाइए, खूब मेहनत करिए, मेहनत इतना करिए कि फिजिकल आपके कम से कम 90 नंबर आए, 90 प्लस होना चाहिए, 100 में 100 लाइए, क्योंकि आपका लगभग रिजल्ट कंफर्म होगा। जिनको लगता है, बाकी जिनको नहीं लगता है बिहार पुलिस की तैयारी में जुट जाइए, आगामी भर्ती भी आपको आएगी जल्दी, डायल 112 की भी आएगी, फॉरेस्टर गार्ड की भी आएगी, दरोगा की भी वैकेंसी आएगी और यूपी पुलिस की भी बड़ी वैकेंसी आ रही है, आरपीएफ की भी वैकेंसी आ रही है, वैकेंसियों की तो भरमार है साहब, लेकिन तैयारी आपकी जोर शोर से होनी चाहिए, तैयारी जबरदस्त होगी सिलेक्शन भी आपका ही होगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।